हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सीरीज़। इससे पहले हम रीजनिंग के कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इनफैक्ट ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाएगा हमारा रीजनिंग, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमारी रीजनिंग कंप्लीट भी हो गई हो। तो एक बार जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, वो जाके ज़रूर चेक करना। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो नंबर सीरीज़ की। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा सबका बाप आया, तो ये फैक्ट है कि सबका बाप है। ये किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इनके साथ वक्त बिताओ। वक्त बिताने का मतलब है कि इनकी प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है, इन्हें समझने की कोशिश करनी। अगर इनसे अच्छे से समझोगे तभी इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे। आज की वीडियो में मैं आपको पैटर्न बताऊंगा किस किस तरह के पैटर्न यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग वाली वीडियो में समझा था, वहाँ पे लेटर्स गिवन थे, हम वहाँ पर एक पैटर्न पहचान रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स बता रहे थे, उसी तरह से आज की वीडियो में भी हमें कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पर पहचानना होगा। क्लियर हो गया? मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, हम इस तरह से पढ़ेंगे कि मान के चलो आप पहली बार नंबर सीरीज पढ़ रहे हो, तो उस वे में आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। 5, 10, 15, 20, 25, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। और एक बात, कोशिश करेंगे आज की वीडियो में थोड़ी बातें कम करें, क्योंकि आज की वीडियो वैसे थोड़ी लंबी बनने जा रही है, क्वेश्चंस कहीं सारे हैं, तो यहाँ पर बातें थोड़ी कम करेंगे बीच में, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25 नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 5 है, फिर आपको 10 दिख रहा है, फिर 15, फिर 20, फिर उसके बाद 25 भी है। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, और कई सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन में हैं। बिल्कुल हम जीरो लेवल से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह का पैटर्न बन रहा है, 5 ऐड किया जा रहा है ना। पहले 5 था, उसमें 5 ऐड कर दो 10 आ जाएगा, 5 ऐड कर दो 15, 5 ऐड कर दो 5, ऐड करते जा रहे हैं। 20 में 5 ऐड किया होगा 25, 25 में 5 ऐड करना था, हमारे पास आंसर 30 आ जाना था। तो मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर आना था, यहाँ पर 30 आना था, और ऐसा आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया, उम्मीद आपको समझ आया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे। इतना क्लियर हो गया, अब स्टार्ट करते हैं बाकी क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, नोटबुक एक अपने पास में आपने रखना है। मैं आपको बताऊँगा कि किस किस तरह के पैटर्न बनते हैं, उसे अपनी लैंग्वेज में जैसे लिख सकते हो वैसे लिख देना। एग्जाम्पल जो मैं आपको करवा रहा हूँ वही लिख देना, और फिर पैटर्न के टाइप को लिखते जाना, और जो पहले से इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं वो सिर्फ क्वेश्चन को देखते जाएँ और सॉल्व करते जाएँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है 27, 24, 21, 18, 15, और आपको बताना है 15 के बाद वाला नंबर जो है वो कौन सा रहेगा, वो आपको बताना है। क्लियर हो गया? ऑप्शंस में आपको क्या गिवन है, 14, 12, 10 और 9, इसमें से बताना करेक्ट आंसर क्या है। जब भी आपके जो नंबर्स हैं ना वो आस पास है, 27, 24, 21, 18, 15, ज़्यादा बड़ा गैप आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इनके बीच में एडिशन वाली या फिर सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज आपको लगानी है। मतलब इनके बीच का सिंपल गैप फाइंड करने की कोशिश करो। 27 से 23 गए तो आप कैसे जा सकते हो, या फिर 3 का गैप है मतलब -3 करना पड़ रहा है, 27 में से 3 माइनस करोगे 24 आ जाएगा। अब ये मुझे पता नहीं रेड मार्कर का आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कमेंट सेक्शन में कि रेड मार्कर को भी यूज़ किया करो। सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस में मैं रेड मार्कर को यूज़ करूंगा, और आपने फीडबैक में कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेड मार्कर को यूज़ करना सही है, बाकी वाले क्वेश्चन में मैं ब्लू या फिर ब्लैक मार्कर यूज़ करूंगा, ठीक है जी। यहाँ पर -3 का तो भी 24 आ रहा है, 24 और 21 का बीच का गैप कितना है, 3 नंबर का गैप है ना, मतलब 24 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 21 आएगा। 21 और 18 की बात करें फिर से 3 नंबर का गैप आ रहा है, -3 करेंगे तभी 18 आएगा। फिर 18 से 15 की बात करें, -3 करना पड़ेगा तभी 15 आएगा, तो -3 कर दिया। तो पैटर्न हमें समझ आ गया है, हमें क्या करना है, हर बार -3 करते जाना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें आगे भी वही काम करना था, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा, और 12 आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, उसी तरह से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या, 3, 4, 6, 9, 13, ज़्यादा बड़े नंबर तो है नहीं, यहाँ पर भी हम इस तरह का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम काम करेंगे। 3 और 4 के बीच का गैप 1 का है, 4 और 6 के बीच का गैप 2 का है, मतलब 4 में 2 ऐड किया तभी 6 आ जाएगा। 6 और 9 के बीच का गैप कितना है, 3 का है, मतलब 6 में 3 ऐड करेंगे तभी 9 आ जाएगा। 9 और 13 के बीच का डिफरेंस का है, इनके बीच का गैप कितना है, 4 का है। इतना क्लियर हो गया? पैटर्न देखो कैसा बन रहा है, 1, 2, 3, 4, यानी कि जो आगे वाला गैप रहेगा वो 5 का रहेगा। इतना क्लियर हो गया? तो 9 में 4 ऐड किया तो 13 आ रहा था, वैसे 13 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा, तो 18 हमारे पास सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ आया तो बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी हम काफ़ी क्वेश्चंस करने हमने आज की वीडियो में, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा।
आगे बात करें तो यहाँ पर देखो 4, 7, 12, 19, 28 नेक्स्ट नंबर आपको बताना क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी इतना ज़्यादा गैप तो नहीं है, हम गैप बता सकते हैं तो हम वही काम करेंगे। 4 और 7 के बीच का गैप 3 का है, मतलब 4 में 3 ऐड करोगे 7 बन जाएगा। 7 और 5, 12 के गैप की बात करें तो वो 5 का गैप देखने को मिलता है, 7 में 5 ऐड करेंगे 12 बन जाएगा। 12 और 19 के गैप की बात करें कितना गैप देखने को मिलता है, 7 का मिलता है, तो 12 में 7 ऐड करोगे 19 बन जाएगा। 19 और 28 के बीच के गैप की बात करें कितना हो जाएगा, ये भी 9 का गैप हो जाएगा। तो पैटर्न कैसा बन रहा है, पहले 3 था, फिर 5, फिर 7, फिर 9, आगे हमारे पास क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। 3 था, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13, मतलब 13 नहीं, 13 मतलब 13, 13, ठीक है जी। तो 9, 11, 13, 15 इस तरह का पैटर्न बनता जाना था। तो अब यहाँ पर 11 आ चुका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे 12 में 7 ऐड के 19 आ गया, 19 में 9 ऐड के 28 आ गया, 28 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 + 10 = 38 + 1 = 39। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। और बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि जिन स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा ना यहाँ पर क्वेश्चन, हम अभी कई तरह के पैटर्न हम करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे करने समझ नहीं आ रहा, डिफिकल्टी लेवल लग रहा है, हालांकि डिफिकल्ट है नहीं है, बट फिर भी किसी को अगर लगेगा तो आपने एक काम करना है, जैसे ही वीडियो ये खत्म होती है पहले पूरी वीडियो को देखना है, उसके बाद आपने ये करना है, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आपने दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करना है, बट उसी क्वेश्चंस को, वही जो क्वेश्चन जो मैंने करवा दिया है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को आपने मेरे करने से पहले पहले करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं हो रहा फिर से ट्राई करना है, ट्राई करते जाना है, जब लगेगा हाँ बिल्कुल ही नहीं हो रहा तब वीडियो को आगे देखना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, जिनको बेसिक बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहे हैं, ये उनके लिए PDF मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा आपको, 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, अच्छे लेवल के रहेंगे, वो प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि JKSSB का लेवल क्वेश्चन से जो मैं आपको करवाऊंगा उनसे ईजी रहेगा, बट फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस कर लेना। आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसे करना है आपने, यहाँ पर क्या है, 11, 13, 17, 19, 23, 25, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है 26, 27, 29, 49, ठीक है, क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, करेक्ट आंसर होगा, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब हम पैटर्न कर चुके हैं, वहां पर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन रख रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, यहाँ पर क्या कहा गया है, 41, 13, 54, 67, 121, इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पैटर्न आ चुका है, सेकंड पैटर्न यहाँ पर आ चुका है, थर्ड पैटर्न जो मर्जी बोलो, यहाँ पर एक नया पैटर्न आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करना होता है, अगर यहाँ पर आप गैप ढूंढने की कोशिश करोगे और आपको लगेगा कि हाँ गैप से आंसर नहीं आ रहा है, तो कहीं और भी पैटर्न होते क्वेश्चन को करने के, ये देखो आपको अगर आपको प्रैक्टिस है ना तो आप देख के बता दोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ 41 की, अगर मैं बात करूँ 13 की, देखो मुझे दिख रहा है कि 41 और 13 को मैं ऐड कर लूँ, फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को ऐड करूँगा तो मेरे पास ये आता है, 41 में 13 ऐड करेंगे 54 आता है। वैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूँ, 13 और 54 को ऐड करूँ, इन दोनों नंबर को मैं ऐड करूँगा 67 बन जाएगा, 54 और 67 को मैं ऐड करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा 121 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पर नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा, इसको और इसको ऐड करने पर जो हमारा बनेगा वही नंबर यहाँ पर आएगा। 121 में 67 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 120, 180, 188, तो डी ऑप्शन में आपको 188 देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन में, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, 31, 44, 75, 119, 194, अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, जिसको प्रैक्टिस है, जो जो प्रैक्टिस करेगा, जो पैटर्न सभी पैटर्न की प्रैक्टिस करेगा, उसको आराम से बड़े मजे से पैटर्न पहचान में कोई भी डिफिकल्टी वगैरह नहीं रहेगी। 31 है, 44 है, अगर 31 में 44 ऐड करोगे तो 75 बन जाएगा, 75 में 44 ऐड करोगे 119 बन जाएगा, 119 में 75 ऐड करोगे 194 बन जाएगा, वैसे ही 194 में 119 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान दो तो 243, 313, 353, 393 इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन का आंसर बताना है, बिल्कुल ऐड वगैरह नहीं करना है, तो कैसे करोगे, ये 194 या 119 है, इसको 190 मान के चलो, इसको 110 मान के चलो, तो 190 और 110 तो आराम से ऐड कर सकते हो ना, 300 के करीब करीब आ जाएगा, तो 300 के करीब बिल्कुल आसपास 313 देखने को मिल रहा है, तो वो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा, अभी हमारे नंबर सीरीज का पार्ट वन ही है सिर्फ, अभी यहाँ पर इसमें और भी पार्ट्स बनेंगे, एक ही वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर सीरीज वाला वो कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमें अच्छे से करना है, या आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, सबकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके ये काम आने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
में। यहाँ पर देखो अब एक नया पैटर्न आ चुका है, हमने दो तीन तरह के पैटर्न अभी देख लिए, प्लस वाला माइनस वाला और वो जो दो नंबर्स को प्लस करके देख रहे हैं। अब नया पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँ कि एक तरह के पैटर्न के 1 से 2 क्वेश्चन आपको करवाए जाएँ, बाकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाए, ताकि मैं ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना बने और आपका काम जल्दी आसान भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पे देखो कि 10+2=12 है, तो वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा जो हमने पहले किया था। हम ज़्यादा नंबर ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करते हैं, 2 और 10 के बीच ही गैप की बात करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं, ये 8 का गैप बन जाएगा, ठीक है जी, 8 का गैप बन जाएगा। 10 और 30 के बीच के गैप की बात करें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का आता है, इतना क्लियर है। 30 और 68 के डिफरेंस की बात करें, कितना डिफरेंस आता है, 38 आता है, ठीक है जी। 68 और 30 के गैप की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये 62 आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी को भी डाउट नहीं रहेगा, बट यहाँ से तो कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है। ये 8, 20, 38, 62, कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा। इस तरह की सीरीज़ को जो हम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस सीरीज़। अब जो हमारे पास नंबर थे ना, इनके बीच का भी गैप निकालेंगे, ठीक है। 8 और 20 का गैप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। 20 और 38 के बीच का गैप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 18 आ जाएगा। 38 और 62 का गैप कितना हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 24 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, पहले 12 था, फिर 18, फिर 24। मतलब क्या हुआ है, 12 में 6 ऐड किया 18, 18 में 6 ऐड किया 24, तो आगे क्या बनेगा हमारे पास, 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30 बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब पहले दो नंबर के बीच का गैप 12 था, नेक्स्ट टोटल नंबर के बीच का गैप 18 है, उसके बाद वाले दो नंबर का गैप 24 है, इसका मतलब इसके बाद वाले दो नंबर का गैप 30 है ना। तो 62 में 30 ऐड कर लो तो कितना बन जाएगा, 92, ये 92 बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बताऊंगा, अगर किसी को समझ नहीं आया, हमने क्या किया, हमने दो नंबर्स के बीच का गैप निकालना स्टार्ट किया। हमारे पास पैटर्न बना 8, 22, 30 वगैरह से, हमें कुछ पैटर्न मिला नहीं सही एग्जैक्ट पैटर्न, हमने फिर से डिफरेंस निकाला। हमने जब दोबारा से डिफरेंस निकाला, 12, 18, 24, इस तरह का डिफरेंस हमारे पास आ रहा था, पैटर्न बन रहा था, हमें समझ आ गया प्लस 6 करना पड़ रहा है। 12 में 6 ऐड किया 18, 18 में 6 ऐड किया 24, तो उसके बाद 24 में 6 ऐड किया 30 आना चाहिए था। क्लियर हो गया। अब 8 में 12 ऐड करेंगे 20, 20 में 18 ऐड करेंगे 38, 38 में 24 ऐड करेंगे 62, 62 में 30 ऐड करेंगे 92 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले नंबर पर आ चुके हैं। इसका मतलब जैसे इन दोनों के बीच का गैप 38 है, इन दोनों के बीच का गैप 62 है, वैसे इन दोनों नंबर के बीच का गैप 92 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 130 में 92 ऐड कर लेंगे। जैसे 2 में 8 ऐड किया 10, 10 में 20 ऐड किया 30, 30 में 38 ऐड किया 68, वैसे हम यहाँ पर 130 में 92 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 222222 हमारे पास कहीं पर है, 222 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया है तो एक बार दोबारा से खुद से ट्राई करो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है, 5, 9, 18, 34, 59, 95, और आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 9+5=13 है, इसे पैरेलल पैटर्न तो फॉलो हो नहीं रहा, तो बीच में गैप भी ज़्यादा नहीं है, तो हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 5 और 9 के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है जी। 9 और 18 के बीच का गैप कितना है, 9 है हमारे पास। 18 और 34 का गैप कितना होता है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 16 का गैप आ गया, 16 है ना, हाँ 16 है। 34 और 59 के बीच गैप की बात करें कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। इन दोनों के बीच गैप की बात करें 36 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पैटर्न यहाँ पर देख लिया, 4, 9, 16, 25, 36। अब यहाँ पर कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो हमारे पास 4 है वो क्या है, 2 का स्केयर, 9 हमारे पास 3 का स्केयर, 16 हमारे पास क्या है, 4 का स्केयर, ये नंबर हमारे पास 5 का स्क्वायर है, ये नंबर हमारे पास 6 का स्क्वायर है। तो पैटर्न हमें दिख रहा है ना, पहले 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर आपको नहीं पता तो बताना चाहूंगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये उन लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हालांकि हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले इन सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 कैसे हुआ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपने काम करना है, जितने भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, चाहे आप एक्सपर्ट हो या नहीं हो, आपने 20 तक के जितने भी नंबर से सबका स्क्वायर याद करना है, बिल्कुल इजी रहता है, सबका स्क्वायर याद करो। वैसे ही लेके 2 से लेके 20 तक के जितने भी नंबर हैं उन सभी का क्यूब भी याद रखो। क्यूब मतलब जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 का क्यूब 27 मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के सारे आपको क्यूब याद करने हैं 1 से लेके 20 तक, और स्क्वायर भी याद करने हैं 1 से लेके 20 तक, वो आपके यहाँ पर काम आते हैं नंबर सीरीज में, ठीक है। तो पैटर्न हमें समझ आ रहा था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आगे हमारे पास क्या आना था, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 49 होता है,
इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ वाला नंबर हमें समझ आ जाएगा कैसे, 5 में 4 ऐड के 9, 9 में 9 ऐड के 18, 18 में 16 ऐड के 34, 34 में 25 ऐड किया 59, 59 में 36 ऐड के 95, 95 में 49 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 144 के करीब। हाँ 144 आपको देखने को मिल रहा होगा ई ऑप्शन में, 144 आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ई ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, अभी आपको हो सकता है समझ आ भी जाए, बट जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे ना तब आपको पता लगेगा कि आपको एग्जैक्टली समझ आया भी या नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही काम रहता है, पैटर्न को पहचाना। पैटर्न को पहचान लिया ना आपने, तो फिर आपके दो तीन नंबर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे कहीं नहीं जाने वाले, किसी भी एग्जाम की बात कर लो। सेम कंसेप्ट हर एक एग्जाम में यूज होता है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो आपके काम आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे करना है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है 1, 2, 6, 33, 49, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, 1 और 2 के बीच का गैप 1 है, 2 और 6 के बीच का गैप कितना हमारे पास ये 4 आता है, 6 और 33 का गैप कितना 27 है, 33 और 49 का गैप कितना हमारे पास आता है, ये हमारे पास 16 आता है। आगे चल लेते हैं, आगे हमें पता नहीं यहाँ पर क्या आएगा, तो हमें पहचानना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, 1, 4, 27, 16, ये तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा, बट हाँ एक पैटर्न तो बन रहा है। मैंने स्क्वायर याद किए हुए 1 से लेकर 20 तक, मैंने 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद किए हुए, अगर किए हुए तो पैटर्न आराम से पहचानोगे। 2 की बात करें, 2 हमारे पास क्या होता है 2 का स्क्वायर, 27 की बात करें हमारे पास क्या होता है 3 का क्यूब, 16 की बात करें 16 हमारे पास क्या होता है 4 का स्क्वायर। कैसे ही पता लगा पैटर्न, क्योंकि मुझे स्क्वायर और क्यूब याद थे तभी पता लगा। तो पैटर्न यहाँ पे कुछ बन रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, इसका मतलब हमारे पास ये नंबर क्या रहा होगा, इसको मैं 1 का अगर क्यूब बना दूं तो मेरे पास पैटर्न बन जाएगा, 1 का चाहे स्क्वायर करो 1 आएगा, 1 का चाहे क्यूब करो 1 ही आएगा। पहले नंबर का क्यूब किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, 3 का क्यूब किया, 4 का स्क्वायर किया, इसके बाद हमारे पास 5 आ जाएगा ना, 1, 2, 3, 4, 5 चल रहा था, तो पहले क्यूब किया फिर स्क्वायर किया, क्यूब किया फिर स्क्वायर किया, अब हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे पैटर्न बनाने के लिए। तो 5 का क्यूब हमें पता है 125 रहता है, तो यहाँ पर 125 आ जाएगा, बट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 125 का मतलब क्या है, 49 और यहाँ पे जो नंबर होगा उनके बीच का गैप 125 है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे 33 में 16 ऐड किया 49 आ रहा था, वैसे 125 में 49 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास 170 वाला कोई आंसर यहाँ पर है क्या, यहाँ पर 174 वाला, ठीक है 174 जो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है 35, 39, 48, 64, 89, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑप्शंस भी आपके सामने स्क्रीन में है, ये आपने करके बताना है कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह का पैटर्न अभी तक कर चुके हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से गिवन है यहाँ पर, ये एक नया पैटर्न आ चुका है 2, 6, 20, 42, 110, इसके बाद वाला नंबर क्या होगा वो आपको बताना है, तो वो आपने बताना है, यहाँ पर नया पैटर्न आ चुका है। उससे पहले आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर देखो ऐसे नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे एग्जांपल की तौर पे हम बात कर लें 3 की बात कर लें, 3 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। हम बात कर लेते हैं 5 की, 5 भी प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आता है, वो 6 के टेबल में भी आता है, वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो 6 तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता। इसके बाद 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, फिर हमारे पास 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 7 के बाद हमारे पास 11 है, फिर 13 है, इस तरह से चलता जाता है। मतलब वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो और 3 जो अपने टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो कैसे करना है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, 2 के और 6 का डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर डिफरेंस वाले तरीके से आपको आंसर नहीं मिलेगा, करके देख लो। 2 और 6 के बीच का गैप कितना हो गया 4 का, इनके बीच का गैप हो गया 14 का, इनके बीच जो गैप है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 22 का, फिर करते करते इनके बीच का डबल डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे तब भी आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, आपको जितने भी हमने पैटर्न अभी तक कर लिए क्वेश्चंस के, किसी भी पैटर्न से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर फिर से बताऊँ अपने क्यूब वगैरह याद किए हुए हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पर अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ उसमें से 2 माइनस कर दूँ, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ मेरे पास 2 आ जाएगा। 6 हमारे पास कैसे आ सकता है, अगर मैं ऐसे करूँ 3 का स्क्वायर कर लूँ तो वो 9 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर में से 3 माइनस कर दो तो 6 आ जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ उसका, जैसे n नंबर ले रहा हूँ, n नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ उसमें से n को माइनस कर रहा हूँ। मैंने 2 लिया, 2 का स्क्वायर के 2 माइनस कर दिया, 3 लिया, 3 का स्क्वायर के 9, 9 में से 3 माइनस कर 6 आ गया। यहाँ पर बात करूँगा, मैंने क्या कर दिया, 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर के 25, उसमें से 5 माइनस कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, प्राइम नंबर वाली सीरीज चल रही है, पहले 2 था, फिर 3 आ चुका है, फिर 5 आ चुका है, आगे 7 आएगा, फिर 11 आएगा,
इस तरह का पैटर्न तो मुझे समझ आ रहा है। तो इसके बाद हम आगे चेक कर लेते हैं क्या वो हो रहा है। अगर हम आगे बात करें, 5 का स्क्वायर तो हो गया था, अब हम 7 की बात कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर था 49, 49 में से 7 हम माइनस करेंगे तो 42 हमारे पास आ जाएगा। आगे बात करें 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में से अगर आप 11 माइनस करोगे तो 110 आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। 11 के बाद आपके पास कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13 आता है ना, मतलब नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करना है और उसमें से 13 माइनस करना है, यानी कि 169 में से 13 आपको माइनस करना पड़ेगा और आंसर क्या आ जाएगा, 156। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे कब कौन सा पैटर्न वगैरह फॉलो करना है, तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इन क्वेश्चन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उतना ही आप आसानी से क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे पैटर्न किस तरह का फॉलो हो रहा है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए कहते हैं जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो वहाँ पर एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर किया जाता है, उन्हें पता है चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, चीज़ों को कैसे समझना है। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे अच्छे से आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको देख के समझ जाएगा यहाँ पे कौन सा पैटर्न मुझे फॉलो करना चाहिए। और मेरा काम है आपको पैटर्न बताना, मैं आपको बता रहा हूँ कितने तरह के पैटर्न वगैरह हो सकते हैं, बट उन्हें पहचानना आपका काम है, वो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बेटर रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम और क्वेश्चंस करेंगे और नए नए पैटर्न आपके सामने ला रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर देखिए क्या करना है। जब मान के चलो आपने बाकी यहाँ पर देखो 923, 50, 103, 208 इस तरह का आगे ना जब पैटर्न बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कुछ और भी सोच सकते हो, कोई और पैटर्न भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न आप देख सकते हो, जैसे मुझे देखो देखने में लग रहा है ये 50 है, ये 103 है, मतलब इसके डबल के आसपास है, ये 103 है, ये 208 है, इसके डबल के आसपास है, 23 है, ये 50 है, इसके डबल के आसपास है, 9 है, 23 है, 9 के डबल के आसपास है। क्लियर हो गया। तो मुझे पैटर्न समझ आ रहा है यहाँ पे डबल में कुछ ऐड किया जा रहा है। जैसे अगर यहाँ की बात करूँ तो मुझे पता अगर 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 18 आ जाएगा, उसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो 23 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, इन दोनों की बात करूँ, मुझे पता अगर 23 का मैं डबल कर लूँ, मतलब अगर 23 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 46 आंसर आ जाएगा, उसमें अगर मैं 4 ऐड करूँ तो 50 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। वैसे ही अगर मैं 50 की बात करूँ, 50 से अगर 103 की तरफ जाना है तो 50 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास 100 आ जाएगा, और उसमें अगर 100 में से 3 ऐड कर दूँगा तो 103 आ जाएगा। पैटर्न समझ आ रहा है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 ऐड किया, उसके बाद हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 2 ऐड किया। कैसे, 103 को अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसमें 2 ऐड कर लो, तो 103 को 2 से मल्टीप्लाई किया 206 आ गया, उसमें 2 ऐड किया 208 आ गया। आगे चलते फिर से हम ये काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना है। हर बार हम 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पहले हमने 5 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऐड कर रहे हैं। तो मतलब 208 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 416 आ जाएगा, उसमें प्लस 1 करोगे 417, तो 417 आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, एक और नया पैटर्न आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी पैटर्न आपको करवा सकता हूँ करवाऊँ, जितने भी पैटर्न मुझे सामने मिल जाएंगे अलग अलग बुक्स में ढूंढ के आपके लिए पैटर्न ला रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप इन पैटर्न्स को ध्यान में रखोगे, कहीं ना कहीं पे नोट डाउन कर रहे हो, इन एग्जांपल्स को भी नोट डाउन कर रहे हो, जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करोगे। और हाँ, हमेशा की तरह जैसे हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स वाला, मुझे उम्मीद है आप लाइक करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, 5, 11, 23, 47, 95 और उसके बाद वाला नंबर क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मुझे फिर से लगा कि ये 5 है, ये 11 है, इसके डबल के आसपास है, ये 11 है, 23 है, इसके डबल के आसपास है, 23 का डबल 46 होता है उसके आसपास है, 47 के डबल के आसपास है, तो हम पैटर्न पहचान लेते हैं। पैटर्न में तो पहचान लिया, अब आगे कर लेते हैं। 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 10 आ जाएगा, और उसमें 1 ऐड करूँ 11 आ जाएगा। 11 की बात करूँ, 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 22 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करूँगा 23 आ जाएगा। 23 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 46 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करूँ 47 आ जाएगा। 47 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा, 94 में 1 ऐड करूँ 95 आ जाएगा। 95 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 190, और 190 में 1 ऐड करना पड़ेगा 191, तो सी ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन जो 191 वाला वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा, तो जो बी ऑप्शन है 191 करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न में समझ आ गया था, मल्टीप्लाई करना 2 से प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, और कुछ गड़बड़ वाला वो मैं काम नहीं करूँ, जो इंस्पेक्टर ध्यान कौन करता है, वो CID में कुछ तो गड़बड़ है, वो नहीं करने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 ऐड करो। तो इस तरह के पैटर्न भी आपको देखने को मिलते हैं, आपने समझना है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको हर तरह का पैटर्न नहीं करवा सकता, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके में किस तरह के पैटर्न हो सकते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा बने आपका जहाँ पर आप एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो 5 ऐड करना पड़े, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो 4 ऐड करना पड़े, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, ऐसा कुछ ऐड करना पड़े, कुछ ना कुछ पैटर्न बन सकता है, आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10, 14, 28, 32, 64, 68 ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अब ये एक नया पैटर्न आ गया, अब इसको कैसे पहचानना है मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं 10 से 14 की तरफ जाना चाहूँगा तो मैं प्लस 4 करूँगा, 10 में 4 ऐड कर दिया 14 आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया। 14 से 28 कैसे ला सकते हैं, मुझे पता है 14 का डबल है ना, 14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 28 आ जाएगा। यहाँ पे डबल वाला पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, गैप वाला पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, दोनों पैटर्न को यहाँ पे कंबाइन करके फॉलो किया जा रहा है। फिर से बताऊँगा, अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि हम कैसे करेंगे ये कैसे पैटर्न पहचानेंगे, समझ नहीं आ रहा, डिफिकल्ट हो रहा है, अभी आप बता रहे हो तो समझ आ जाएगा, आपको बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस दोबारा से बोलूँगा। मैंने आपको कल की वीडियो में स्टोरी भी के बारे में बताया भी था, वो पॉलिश वाली आपको स्टोरी बनाई थी, जितने आपको पॉलिश करोगे उतने ही आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आएंगे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा क्वेश्चन को करने का, उतने कॉन्फिडेंस लेवल अगर आएगा तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आप बिल्कुल एग्जैक्टली आप निकाल पाओगे। आगे चलते हैं, 28 से 32 की तरफ जाएंगे तो प्लस 4 ऐड करना पड़ रहा है, सिंपल है ना, प्लस 4 किया फिर नेक्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 किया, 32 का डबल है ना 64, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आ जाएगा, प्लस 2 किया, पैटर्न कैसा है, 4 ऐड करो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 136 के करीब आ जाएगा, 136 आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, तो यहाँ पर हाँ 136 आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पैटर्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर देखिए जैसे आपको दिख रहा है 3, फिर 15, फिर 4, फिर 16, 5, 17, मतलब एक बार नंबर बढ़ रहा है फिर एक बार नंबर कम हो रहा है, फिर नंबर बढ़ रहा है फिर नंबर कम हो रहा है, इसे कहते हैं अल्टरनेट वाली सीरीज। मतलब यहाँ पर आपको सीक्वेंस में नहीं चलना है, एक एक नंबर या दो दो नंबर के गैप को छोड़ के आपको पैटर्न फाइंड करना होता है, कैसे वो हम देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप यहाँ पर 3 और 4 के बीच का पैटर्न निकाल सकते हो, 4 और 5 का पैटर्न निकाल सकते हो, 5 और 6 का पैटर्न निकाल सकते हो, 6 और 7 का पैटर्न बन रहा है, समझ गए। इसका मतलब ऐसा होता कि अगर आपको यहाँ पर पूछा तो भाई बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, आप बड़े मजे से बताते थे कैसे, पहले 3 था फिर 4 फिर 5, मतलब एक एक नंबर को छोड़ रहे हो, 3 एक नंबर छोड़ा 4 आ गया, एक नंबर छोड़ा 5, एक नंबर छोड़ा 6, एक नंबर छोड़ा 7, क्लियर हो गया, पैटर्न बन गया। बट वो बड़ा चला के उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने आपसे ये पूछ लिया है, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा चला के हम आराम से बताएंगे कैसे करना है। अब हम क्या करते हैं, एक तरह का पैटर्न में फाइंड कर लिया है ना, अब जो बीच के नंबर बच गए अब हम उनका पैटर्न निकाल लेते हैं। 15 है, 15 से 16 का पैटर्न बन रहा है, 16 से 17 का पैटर्न बन रहा है, तो 17 से 19 का पैटर्न बन जाएगा, सॉरी 15, 16, 17 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो 18 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 18 आपको हाँ ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्या करना होता है आपको, मतलब नंबर छोड़ देना होता है, जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर छोड़ा ना, एक नंबर छोड़ के हमें पैटर्न मिल गया, एक नंबर छोड़ा पैटर्न मिल गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको बीच वाले दो नंबर छोड़ने पड़े और इसमें पैटर्न मिले, फिर बीच वाले दो नंबर छोड़ने पड़े इसमें और इसमें पैटर्न मिले, समझ गया। इसे कहते हैं अल्टरनेट सीरीज, बस आपको पैटर्न ढूंढना होता है, हमने पैटर्न ढूंढ लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर कहा गया 1, 9, 125, 343, उसके बाद वाला नंबर फिर 1331 कहा गया है, इसका आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। फिर से आपको क्यूब का पता, आपको स्क्वायर का पता, आप आराम से बता दोगे। आपको पता है 3 का क्यूब रहता है, 5 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, इसका मतलब आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब आपको पता है 729 होता है, तो 729 ये 11 का क्यूब था, 1331, क्लियर हो गया, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन में है ये आपने खुद से करना है। यहाँ पर कहा गया 125, उसके बाद यहाँ पर कहा गया 3 डैश डैश डैश, फिर 343 गिवन है, उसके बाद आपको गिवन है 5, 112, 729, 1000। ये क्वेश्चन आपने करना है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्या देखिए, 6, 13, 28, 59 नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपके पास। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना 6 के डबल के आसपास दिख रहा है, 13 के डबल के आसपास दिख रहा है, तो हम वो पैटर्न फॉलो कर लेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 1 ऐड कर लो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर 12, प्लस 1 ऐड कर 13 आ गया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो 26, प्लस 2 कर लो आ गया, 28 की बात करें 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 56, प्लस 3 ऐड कर लो। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, हर बार 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन पहले हमने 1 ऐड किया, फिर हमने 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 ऐड कर देंगे, इतना क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला 613 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 22 लिखा हुआ है यहाँ पर, बट 22 नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन में कुछ ना कुछ आपके पास होगा करेक्ट वगैरह, यहाँ पे मेरे सामने जो क्वेश्चन है वहाँ पे गलत लिखा हुआ है। चलो हम करके देख लेते हैं आंसर क्या आ जाएगा इसका, ठीक है।
120 आ गया ये, 122 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो 122 हो जाएगा। मेरी नोटबुक में गलत है, बट जब आपको स्क्रीन में इमेज दिखी होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो 122 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, एक नया पैटर्न आ गया है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे 13 है, 13 से 13 कैसे जा सकते हो? आपको पता है अगर मैं 13 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 13 आ जाएगा, बट 13 से 19.5 कैसे जा सकते हैं, या 19.5 से 39 कैसे जा सकते हैं, वो चीज़ समझो। यहाँ पर एक नए तरह के क्वेश्चन आ गए, जब पॉइंट वगैरह आपको देखने को मिलता है ना, तो वहाँ पे क्या क्या करो आप इन नंबर्स को ना किसी ना किसी तरीके से पैटर्न पहचान लो। मान के चलो आप 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 6/3 ये वाला पैटर्न फॉलो हो सकता है, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 ये वाला पैटर्न फॉलो हो सकता है, या 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2 इस तरह का पैटर्न फॉलो हो सकता है। हम पैटर्न पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, 13 से 19.5 कैसे जा सकते हैं, मुझे पता है इतना। अगर आपने प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस की, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको पता होगा कि 13 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और 39 का अगर मैं हाफ करूंगा, 39 का अगर मैं आधा करूंगा तो 19.5 तक आ जाएगा। इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन की। ठीक है, इस तरह के मैंने ढेरों क्वेश्चन किए हैं तो मुझे प्रैक्टिस है, तो मुझे पता है कि अगर 13 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 39 के करीब कुछ आ जाएगा, बट उसको अगर मैं हाफ कर लूँ तो मेरे पास 19.5 आ जाएगा। इतना मुझे समझ आ गया था। आगे बात कर लेते हैं, हमें पैटर्न बनाना है ना, तो हम यहाँ पे पैटर्न कैसे बनाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, अगर मैं 19.5 की बात करूँ, इसका 39 कैसे बन सकता है। अगर मैं ऐसे कर लूँ कि 19.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 19.5 का डबल क्या होता है, 19.5 का डबल जो हमारे पास होता है वो 39 होता है। मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 39 मेरे पास बन जाएगा। बट यहाँ से कुछ पैटर्न तो समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर देखो 1/2 है ना, जैसे ये हमारे पास 1 है, इसको मैं 3/2 बना देता हूँ, ये मन में 2 बना दिया। चलो मान के चलो पहली बार कर रहे हो, आपको नहीं समझ आया, तो आगे कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो आप क्या क्या करना, आप सिंपल सा काम क्या करना कि 3/2 है ना, ये 3/2 है, ये 1/2 था, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ इसको, अगर मैं 2 को, जो 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 4/2, 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 4/2, क्योंकि ये तो वही बात बन जाएगी हमारे पास कि 3/2 है, ये मेरे पास 4/2 है। अगर मैं आगे देख लूँ, अगर 5/2 से मेरा काम बनता है यहाँ पर, तो इसका मतलब पैटर्न मुझे समझ आ गया है। 3/2, 4/2, 5/2, इस 1 को भी मैं 2/2 लिख सकता हूँ ना, इस 1 को भी मैं 2/2 लिख सकता हूँ, तो मुझे पैटर्न मिल गया। 2/2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4/2 से मल्टीप्लाई करूँ, 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे मुझे 6/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया, तो ये पैटर्न आपको फॉलो हो रहा है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। बट जब तक आपको 3 क्वेश्चन में पैटर्न मिल गया है, इसका मतलब आगे भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा था, ये चेक करने का कोई जरूरत नहीं थी। 97.5 के आगे क्या आना था हमारे पास यहाँ पे, 97.5 को 6/2 से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब ये 97.5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 97.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, आप कह सकते हो इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 मान के चल लो, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 300 आ जाएगा। तो 300 के करीब करीब वाला आपको कौन सा आंसर देखने को मिल रहा है, 292.5 वाला मिल रहा है। तो 292.5 हमने क्यों किया, क्योंकि हमने 98 को हमने 300 बनाया हुआ, 100 बनाया हुआ था ना, तभी 300 आया, तो 300 थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो वो 292.5 आपके पास आ जाएगा, तो वो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं समझा तो प्रैक्टिस करना। जैसे यहाँ पे पैटर्न 2/2, 3/2, 4/2 का बन रहा है, हो सकता है कभी आपको जो पैटर्न है वो इस तरह से बने कि 3/1, फिर 5/1, नहीं 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, किसी भी तरह का पैटर्न बन सकता है। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी है, 2-3 तरह के पैटर्न पहचाने, और इस तरह के क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ईजी लगेगा, वरना इस तरह के क्वेश्चन में आप अटक जाओगे। ठीक है जी, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तभी आप इसमें एक्सपर्ट बन पाओगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, -7, -3-8, 15, यहाँ पर किस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पर पता लग गया, जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न आपने पहचाना है वो स्टार्टिंग से पहचाना स्टार्ट करो, आप लास्ट से या बीच से भी कहीं से पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, तो 8 और 15 के गैप बीच का गैप मुझे पता है 7 है, 8 और 15 के बीच का गैप मुझे पता है 7 है। अगर मैं -7 और -3 की बात करूँ, वो कैसे आ रहा होगा, इनका गैप कितना रहता है, 8 में 7 ऐड किया तो भी 15 आ रहा है, तो मैं -7 में क्या करूँ तो मेरे पास -3 आएगा। मुझे पता है अगर मैं -7 में 4 ऐड कर दूं तो मेरे पास -3 आ जाएगा। क्यों, माइनस प्लस जब भी होते हैं ना, तो मैं जो नेट करना होता है काम, वो माइनस करना होता है। -7 + 4 का मतलब है कि हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 7 में से 4 माइनस करो तो 3 आ जाएगा। बट साइन कौन सा आता है जो बड़े वाले नंबर के साथ होता है,
तो यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्शन में हमने कंसेप्ट यूज़ किया था ना, जब नेगेटिव हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, उनको कैंसिल कर सकते थे, माइनस करते थे। तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव दो हमारे पास आ चुके हैं, अपोजिट डायरेक्शन आ चुकी है, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, और साइन जो बड़े के साथ होता था वही कंसेप्ट हमने वहाँ पर यूज़ किया था। तो -7 + 4 हमने किया तो माइनस प्लस अपोजिट हो गया, हमें माइनस करना पड़ेगा, हमने माइनस कर दिया, आंसर 3 आ गया, बट साइन कौन सा होगा जो बड़े के साथ है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया था अगर यहाँ पे मैं +4 कर दूँ, -7 में +4 करूँ तो -3 आ जाएगा, 8 में 7 आया 15 आ जाएगा, यहाँ पे +4 हुआ है, अगर इन दोनों के बीच में +5 हो सकता है, इन दोनों के बीच में +6 हो रहा है, तो भी तो यहाँ पे +7 हुआ होगा। तो पैटर्न किस तरह का रहा, 4 5 6 7, इसको हम वेरीफाई भी करके देख लेते हैं क्या करेक्ट है या नहीं है। 3 में अगर 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी ये -3 है ना, तो -3 में 5 ऐड करेंगे, -3 लिख दिया, +5 लिख दिया, अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, एक माइनस का एक प्लस, हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 माइनस कर तो 2 आ जाएगा। साइन कौन सा जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो +2 में 6 ऐड करो तो 8 आ जाएगा, तो 8 में 7 ऐड के 15, मतलब 2 आपके पास कहाँ पर देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है -2 1 5 - 16, यहाँ पर इस डैश में कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो भी आप ज़रूर सॉल्व करोगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपको डिफिकल्टी लगी इन क्वेश्चन में, आपने फिर से इसी वीडियो के क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है, एक बार पहले वीडियो को देखो अच्छे से समझो, 1-2 घंटे के बाद, अभी नहीं 1-2 घंटे के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करना, जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आएगा वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, हार नहीं मानिए, 4-5 मिनट ट्राई करो, अगर तब भी नहीं निकल रहा फिर जाकर वीडियो देखना स्टार्ट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जब वो सब काम आप कर लेते हो उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सब भी सॉल्व करो, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हालांकि मैं आपको आने वाली वीडियो में सॉल्व करवा भी दूंगा सारे, किसी भी तरह का डाउट होगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बाकी उम्मीद आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना, और जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करना, किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां पर जाकर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर लिंक से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हो, वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।